अगर हम देखें तो IGL और MGL को लेकर है जिस पर हम बात भी करेंगे। CNG कीमतें 5 या 6 रुपये किलो बढ़ाने पड़ सकती हैं, क्योंकि जो गेल ने दोनों ही कंपनियों की गैस सप्लाई कट कर दी है। IGL की सप्लाई करीब 21% और MGL की करीब सप्लाई 20% कट की है, और ये जो सप्लाई है ये APM गैस की है। एडमिनिस्टर्ड प्राइस जो होता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, वो अगर आप मार्केट से लेंगे या इम्पोर्ट करेंगे तो वो प्राइस लगभग डबल होता है। तो जो गेल जिस प्राइस पर दे रहा था इनको गैस वो सस्ती थी, और उसी की सप्लाई 20% कट कर दी है, तो इनके जो मार्जिन्स हैं, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। 16 अक्टूबर से जो सप्लाई है वो कट की गई है। रुचित जी, कैसे देख रहे हैं IGL, MGL और गेल तीनों काउंटर्स को? IGL MGL पे तो क्लियरली एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। आज गैप डाउन भी हुआ और गैप डाउन के बाद में भी जो सेलिंग हाई है उसमें काफी वॉल्यूम में सेलिंग स्टॉक में हुई है। सो आई थिंक नियर टर्म में स्टॉक में जब तक थोड़ी और क्लैरिटी नहीं आ जाती है कुछ, तो आई थिंक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कोई भी पुल बैक मूव पे कंटिन्यू रहेगा। सो फिलहाल तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने की कोई सलाह नहीं है। गेल के चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस आज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे भी है तो वीकली चार्ट्स पे क्लोज रहेगा। अगर 216 218 का रेंज है जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया सो आई थिंक तब तक ज्यादा नेगेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में ही स्टॉक है। बट अगर 216 के नीचे के अगर क्लोज हम ये वीकली स्ट्रक्चर्स पे देते तो फिर नियर टर्म प्रेशर गेल में भी आ सकता है। बिल्कुल, तो सर क्या टारगेट्स लेकर चले अभी गेल के लिए? तो फिलहाल तो 216 से लेके 232 के आसपास रेजिस्टेंस रहते हैं, यही रेंज है। ये रेंज में से जो भी साइड ब्रेकआउट आएगा फिर कोई डायरेक्शन में उस स्टॉक में एक्सपेक्ट कीजिएगा। जी, एक और खबर जो NBFCs बैन की गई हैं RBI की तरफ से, उसमें एक मन्नापुरम का भी नाम आ रहा है, उनकी जो सब्सिडरी है उसका नाम आ रहा है। सर कैसे देख रहे हैं सर मन्नापुरम फाइनेंस को? फिलहाल तो आज का रिएक्शन तो काफी नेगेटिव है और डेफिनेटली न्यूज नेगेटिव है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो फिलहाल कोई बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं है, ऑल दो प्राइस नो हाई लेवल से काफी ब्रेक हुआ है। मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखता हूँ तो 134 135 के आसपास मेजर सपोर्ट स्टॉक में आ सकता है, जहाँ पे मंथली चार्ट्स पे 89 EMA है। सो अगर इनकेस आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस में 134 135 के आसपास आता है तो वहां पे स्टॉक को कुछ बॉटम फिशिंग करना है, काउंटर ट्रेड्स लेना है तो उधर रिव्यू करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ जस्ट वेट एंड वॉच रखना चाहिए और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। बिल्कुल, कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। अमर सिंह जी जो रेगुलर व्यूअर हैं ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या एवरेज करना सही रहेगा? 201 रुपये पर लिए हैं सर, 6 से 8 महीने का व्यू है इनका। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए बट एवरेज की फिलहाल सलाह नहीं है। 180 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट है, वहां पे आता है तो एवरेजिंग के लिए उधर रिव्यू कीजिएगा। जी, सुनीता चौधरी जी पूछ रही हैं, जागरण प्रकाशन इन्होंने लिए हैं सर 40 रुपये के, कुछ 500 शेयर हैं, क्या करें इनके 2 ईयर तक ये रख सकती हैं? तो होल्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। एक तो आपकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है तो आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि स्टॉक कुछ समय के कंसोलिडेशन भी देखे तो कुछ इश्यूज नहीं है। 83 80 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिलहाल तो स्टॉक के सपोर्ट जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 80 रुपए के नीचे आप अपने पोजिशन पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई थिंक अगर 80 का लेवल ब्रेक होता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कीजिए, अदरवाइज क्योंकि आपके पास समय है 2 साल का तो न्यू स्टॉक में आप करंट लेवल्स पे तो बने रहने की सलाह रहेगी।